आप सब लोग होप यू आर सो गुड। आज का मौसम इतना ज्यादा अच्छा है, थोड़ी देर पहले तो ऐसा तबाही का था। उसके कुछ क्लिप्स हैं जो मैं अपने इस वीडियो में, काश उड़ जाए, उड़ नहीं पाएगा लेकिन उस टाइम वाली आंधी। और सच में हम लोग मार्केट गए थे सिस्टर की कुछ बुक्स लेने के लिए और इतना ज्यादा मतलब तबाही सी समझो, उसको भी उसी कुछ क्लिप्स में बीच में ऐड करूंगी। बहुत ज्यादा इतनी तेज आंधी आई थी आगरा में और बट अब मौसम क्लियर हो गया है और शंकर ग्रीन्स बहुत अच्छा लग रहा है और ये गोरा भी लग रहा है और हम लोग छत पर हैं, टॉप छत पर आ गए हम लोग। और आप पूरा व्यू देखो, सच में ये है शंकर ग्रीन्स और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को छत पर। और सोचा कि थोड़ा व्लॉग शूट कर लिया जाए, वैसे तो मैं अपना रोड पर ही व्लॉग शूट करने वाली थी बट नहीं, फोन अगर मैं हाथ में पकड़ती तो मेरा फोन उड़ जाता, दैट्स वाई मैंने उसको अपने बैग में ही, मतलब बैग में क्या, पॉकेट में रख रखा था। और कौन आ रहा है? अच्छा वो कर दे, पुष्पा झुकेगा नहीं, नहीं एक बार कर दे, ये बहुत अच्छा करता है ये ना। अच्छा कोई सा डायलॉग तो करके दिखा दे यार मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, कोई सा डायलॉग कर दे यार। अभी वो सोच रहा है, सच में मौसम बहुत प्यारा है यार, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। इनकी रील्स बन रही हैं, मैंने तो बनवा ली। डायलॉग जल्दी कोई बोल। और लाइट नहीं आ रही है यार, और मेरे बाल कैसे हो गए यार, मुझे नहाना है दोबारा हेयर वॉश करके। आइए पहले वो सो जाने, कितने नखरे से रहते हैं ना। पुष्पनान सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, मुझे समझ में नहीं आया। वंस अगेन समझ में नहीं आया मेरे को और ना मेरे सब्सक्राइबर्स को समझ में आएगा, दोबारा कर। पुष्पनान सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। ओम फो, अच्छा ओम फो वाला करके दिखा यार, अब मैं नहीं कर रहा, एक और कर दे। अच्छा कला मंडी खा के दिखा दे चल, ये क्या ये क्या कुछ भी मैं नहीं बोलने वाली, कुछ भी गला मंडी खा के दिखा, मैं नहीं आ रहा। ये ना लिटरली ये फुटेज खा रहा है, इसकी मैं अगर तारीफ सी कर रही हूँ सच में बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग, काफी देर से मस्ती कर रहे हैं। मुझे अभी याद आया कि यार ये ऐसे कुछ मस्तियाँ हम लोग शूट कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट, और भाइयों यहाँ अगर बोलना कैमरे के आगे आके बैक स्टेज क्यों वो वाला बन रहा है ना सामने और गिर जाएगा रेलिंग से। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोलने वाली थी, सच में बहुत इरिटेट करता है मेरे को ये। अब मैं पहले कुछ कह लूँ अपने सब्सक्राइबर से, हाँ तो मैं ये कहने वाली थी कि हम लोग मस्ती तो काफ़ी देर से कर रहे थे, मैंने शूट इसलिए करा क्योंकि एक तो आप लोग का एंटरटेनमेंट हो जाएगा इससे और ये कुछ यादें हम लोग जब आगे जाके मतलब देखेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम तक मैं ये वीडियोस को अपने पास सेव करके नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो हम लोग आप कैमरा के निगरानी में हैं तो हम लोग इसी से देख सकते हैं, मतलब हम लोग फिर यूट्यूब ऑन कर लेते हैं। और कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बाहर हैं लाइक दिल्ली वगैरह में जाती हूँ, दिल्ली में, तो वो लोग वहाँ देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट उन लोग का भी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा चलो शूट किया जाए। और जिसके पास ऐसा भाई हो जो बहुत हंसाता हो, तो कौन सी धर्राटे काट रही है, कौन सी लड़की काट रही है बता। अब बेसिकली अभी हमारा कजन हमारे साथ नहीं है ना, वो तो और मस्ती करवाता है, वो आज आई थिंक उसका एड है आज, तो वो एड के लिए गया है, एसी और थोड़ा सा उसका है तो बिजी है। बाकी ये शंकर ग्रीन स्पीच आपको दिख रही है और मेरे नेल्स भी दिख रहे हैं आपको, कुछ मस्ती करके दिखाना। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है ऐसे मौसम में, तो चलो मैं आपको अब कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ जो हमारे साथ अभी दुर्घटना घटी। आप उन क्लिप्स को देखिए कि आगरा में इतनी तेज तूफान टाइप का आया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट।
उधर से मिलेगा। चलो बहन तबाही। तो गाइस इसकी मस्तियाँ देख लो, मैं यहाँ पे टंकी के पीछे छुपा हूँ। मस्तियाँ देख लो, देख लो इसकी मस्तियाँ। वीडियो बना रहा हूँ। क्या तो गाइस लाइट आ चुकी है और आप ये देखिए हवा इतनी अच्छी चल रही है, मतलब काफ़ी अच्छा वेदर इस टाइम हो गया है। और यार देख सकते हो मेरा पेड़ कैसे हिल रहा है, और गली में भी सुनसान सही है। देखो सो गाइस, होप आप लोगों ने हमारी आगरा की ये वेदर आज का देख लिया होगा। और सच में हम लोग बच गए क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर वहीं थे जब वो पेड़ गिरा है, जहाँ पे मैंने तबाही एज ए इफेक्ट डाला है। बहुत ज़्यादा डर गए हम लोग, और मैं भी अब आज के बाद ऐसे मौसम में कभी बाहर नहीं जाने वाली हूँ। वो तो सिस्टर को बुक चाहिए थी और मतलब बुक्स मिली भी नहीं और हम फंस भी गए। कोई ना होता है, लाइफ में एक्सपीरियंस भी इस चीज़ का लेना चाहिए, लिया मैंने। लाइफ थोड़ा एडवेंचरस टाइप बनाना चाहिए, जो कि मैंने आज बनाई। मज़ा आया, बट उसके बाद जो हमें साइड इफ़ेक्ट हुआ वो ये था, आइज़ में इतनी डस्ट जा चुकी है कि मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा पेन टाइप का हो रहा है। मैं अब आई ड्रॉप डाल के मतलब थोड़ा रेस्ट करना चाहूँगी। बालों में आज ही मैंने हेयर वॉश करे थे तो बाल मेरे फिर से डस्टी टाइप हो गए थे। मुँह में से किरकरा किरकरा सा लग रहा था जब लोग लौट कर घर पर आए, गीले भी हो गए थे। बट कोई ना, वो तुम बड़ा मैटर नहीं करता, बारिश में तो मुझे ऐसे गीले होने का बहुत मज़ा अलग ही है उस चीज़ का। तो बाकी बस आँखों में थोड़ा पेन हो रहा है, दैट्स वाई मैंने अपने ये स्पेक्स लगा रखे थे, क्योंकि इनसे मेरे थोड़ा सर का दर्द बंद रहता है। बट अभी ड्रॉप से ही काम चलेगा। तो मैं अभी इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मुझे तबाही दिखानी थी, मैंने दिखा दी और उसका साइड इफ़ेक्ट जो हुआ था वो हो गया। तो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक इट। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और कमेंट में बताना ज़रूर कि मेरी पिकाचू की टी शर्ट आपको कैसी लग रही है, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि पिकाचू मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पिकाचू बुलाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आज पिकाचू पहना, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों की याद आ रही थी। तो या आज के लिए इतना ही, बाय।